दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसीं तां मैं मसिंह दिगपाल। लोग सभा जिमनी चोणां दा जिहड़ा कि रिजल्ट है वह अज आ रहा, तो सिमरजीत सिंह मान जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर मान तो कैंडीडेट सन, सिमरजीत सिंह मान वह वड्डी लीड दे नाल जिहड़े कि लगातार अगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह तो कैंडीडेट तो लगातार जिहड़े कि जित दे करीब है, काफ़ी ज़्यादा पहुँचने वाले। तस्वीरां तुहानूं दिखावांगे संगरूर दे विच उहनां दी कोठी दीआं जिथे कि हलचल है वह तेज़ हो चुकी है। उहनां दे जिहड़े कि समर्थक ने जिथे काउंटिंग सेंटरां ते पहुंचे हुए ने वड्डी गिणती दे विच, जिंदाबाद दे नारे लगाए जा रहे हैं। उत्थे ही कोठी के बाहर भी तुम देख सकते हो लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं, तो अंदर सतनाम वाहगुरु का जिहड़ा कि जाप है वह भी किया जा रहा है। तो जित दे बेहद करीब ने सिमरजीत सिंह मान, तो तुम देख सकते हो संगरूर उन्हां दी कोठी दी सीधी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं जिथे कि सतनाम वाहगुरु का जिहड़ा कि जाप वह भी किया जा रहा है। तो कुछ लोग मेरे नाल इत्थे मौजूद ने, गलबात भी करांगे। सर किवें देख रहे हो जिस हल्के दे विच कदी उन्हां दे बूथ भी नहीं लगे सी, हालांकि 1999 दे विच जरूर जित प्राप्त होंदी है, तो उस तो बाद जिहड़े हल्कियां दे विच कदी बूथ नहीं लगे सी अज उत्थे ही जिहड़ी कि वोटां दी लीड प्राप्त हो रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज जिहड़ा किथे ना किथे इक जिहड़ा झूठ दा तलसमा टुटदा नज़र आ रहा, नफरत दीआं जिहड़ी हवावां चल रही सी रुकदीआं नज़र आ रहियां, उन्हां नूं ठल पै रहा। तो ये सब जानते हैं कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जी हमेशा तो सच बोलती आई है, तो सच तो अलावा उसने कभी झूठ नहीं बोलिया। अज लोगों ने सच का एजेंडा पसंद किया, जी झूठ की पंड आप पार्टी ने बना के सरकार बनाई सी वह भी कितना कितना खिलर गई है। तो जरा भाजपा RSS की जी नफरत की हवा चला के नफरत खड़ी करके लोगों को तोड़ के वोट लेना चाहती सी वह भी पंजाब टिक नहीं सकी, इस करके जी जिचे साथी जित नज़र आती है। सफर किमें दा रहा, क्योंकि देखने को मिले सारिया पार्टिया के दिग्गज से जोड़े व्डे लीडर से, आम आदमी पार्टी की करिए मुख्यमंत्री साहब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूरी उन्होंने कैबिनेट इतने प्रचार करती है, भाजपा के व्डे लीडर इतने आकर प्रचार करते हैं, श्रोमणी अकाली दल सुखबीर सिंह बादल खुद इतने रेंदे ने, कांग्रेस के प्रधान राजा बनकर सारिया पार्टिया के व्डे आगुओं वालों अड्डी चोटे जोड़े कि जोर लगाया जाता। तो कंपेन किस तरीके चली सी? साड़ी कंपेनिंग जी सी लोग तरह तरह का पता नहीं कि लहीले उन्हें अपनाए ने, नफरत वाले झूठ वाले। साड़ी जी कंपेनिंग के शुरू तो ही श्रोमणी अकाली दल अमृतसर है शहीदों की पार्टी है, शहीदों के परिवारों की पार्टी, कुरबानी वाले की पार्टी, कभी हार जित मुक रख के तो असं लड़े नहीं सके, अच्छे पंजाब के हकों के वास्ते लड़े थे। तो अज पंजाब के जोड़े लोग ने, पंजाब की जी जनता वो अपने हकों को पहचान चुकी है, तो इसी करके उन्होंने अपने हकों को वोट पाई है। श्रोमणी अकाली दल ने सिर्फ जोड़ा सा मुद्दा सगा हक की आवाज़ आप पार्लीमेंट से भेजनी है, ना असं PM की चोन लड़ रहे, ना असं CM की लड़ रहे, असं हक की आवाज़ से यह चोन लड़ी है। तो लोगों ने हूँ सच में पसंद करना शुरू करता वा, बाकी सारी पार्टियां की जी हवा वो टुट रही है, तो सच की अंधेरी हूँ चल रही है, वे हूँ कोई टिक नहीं सकू। आम आदमी पार्टी वालों दावा किया जा रहा है कि संगरूर है जिहड़ा कि गढ़ मनिया जाता है, भगवंत मान लगातार दो बार इतों जितते हैं, पूरे देश की जो गल करिए तो देश के विचों सिर्फ एक संगरूर की सीट थी जिहड़ी कि आम आदमी पार्टी के खाते दे विच पई सी, तो उही अज हारदे नज़र आ रहे हैं। मैं तुहानूं स्पष्ट दस देना चाहुंदा कि जिहड़े चोण राजनीतिक रणकार ने, जिहड़े चोण रणनीति बनाउंदे, मैं उहदे वास्ते भी इशारा करदा वां कि जिहड़ा आम पार्टी नूं वोट पई सी उह पंजाब दे अंदर इक बदलाव नूं पई सी, कोई रवायती पार्टियां तो लोग तंग हो चुके सीगे, तो इसने भी लोगों की उम्मीदों तो फेल हो चुके, फेल हुई पार्टी है, फेल हो चुकी 3 महीने के अंदर, लेकिन हुण लोग समझ गए ने कि पंजाब के हक ते हित कित्थे ने, इस करके उन्होंने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर नूं ही असली अकाली दल मन्निया, तो उन्होंने अकाली दल बादल नूं भी नकारता, तो बाकी सारी पार्टियों नूं नकार के अज जिहड़ा पंजाब की जनता पंजाबी ने वो सारे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के नाल आके खड़ गए ने, सरदार सिमरजीत सिंह की मां की जित ते वो मोहर लगा रहे हैं। बिल्कुल बदलाए तुम गल की है, तो वे फतवे के नाल जो आम आदमी पार्टी जितती है 92 सीटा मिलदिया ने, कि लोग 3 तो 4 महीनों में ही उन्होंने तो आक गए कि बदलाव दोबारा लिया जा रहा है। देखो एक आप पार्टी की बहादुरी नहीं सी, लोग पंजाब के जोड़े से रवायती पार्टी तो अक के उन्होंने आप वोट पाई से इस उम्मीद से कि शायद कुछ नवा कुछ करूगी, कितने ना कितने पंजाब के अंदर जी बर्बादी वाल पंजाब चल गया, नशे वाले चल गया, कारोबारी स्थितियां डाउन हो गई सी, बिजनेसमैन तबका गरीब बंदा हर एक दुखी सी, वर्ग दुखी थी, वो दुखी हो के वोट उन्होंने आम पार्टी पाई सी, लेकिन अज फिर पंजाबियों को पंजाब की अपनी पार्टी है, तो हुण पंजाबियों ने बदलाव जिहड़ा असली वो करना शुरू करता। तो हुण तुसीं देखो कि जिथे हुण आने वाली चोणां ने 2024 की 2027 की या MC की चोणां ने, पंचायती चोणां ने, उहदे विच भी वड्डे पद्धर से श्रोमणी अकाली दल अमृतसर सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी की अगवाई के अपना जित का परचम लहराऊगी। बिल्कुल बई जी, कुछ लोग होर भी इतने मौजूद ने, तुसीं लोकल ही बई जी इतने दे? नहीं, असीं वीरे फतेहगढ़ साहब तो आए हैं जी। की कहना चाहोगे, सिमरजीत सिंह मान जित दे बेहद करीब ने, कुछ ही देर दे विच जिहड़ा कि क्लीयर हो जाएगा कौन जित रहा, पर जित दे बिल्कुल करीब ने। हाँ जी, सानू बहुत खुशी है। देखो जी, असीं तकरीबन 4 तरीक नूं इत्थे आ गए सी उन्हां दे चोण प्रचार दे विच, ते बहुत वधिया लगदा जी, बहुत मेहनत करी आ मुंडिआं ने, इधर वालिआं ने बहुत मेहनत करी आ, संगरूर एरिया ते आपणा इह दड़बा एरिया मुंडिआं ने, जिहड़े मतलब पहलां झाड़ू नाल सी मुंडे, उन्हां ने आप मतलब साडे नाल आप तुरे आ, सानू कहण दी लोड़ नहीं पई, पिंडां दे विच आप मुंडिआं ने हंगारा पड़िआ,
ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਅਕਾਲੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬੂਥ ਲਾਇਆ ਵੀਰੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀਰੇ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਭਦੌੜ ਹਲਕਾ ਤਪਾ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਕੇ ਨਾ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਈਸਾਈ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅਕਸ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨਗੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਪ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਿਗਪਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਸੰਗਰੂਰ। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ 100% ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਾਟਰੀ, ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ, ਗੈਟ ਐਕਸ ਲਵ ਬੈਕਿੰਗ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ। ਮਨ ਚਾਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ, ਔਲਾਦ ਸੁੱਖ, ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98417 18 797 18 786 97 786 94 075।